नमस्कार दोस्तों, आज आपको राजस्थान में एक चिद्रा बनाते हैं। उसे चिद्रा कैसे बनाते हैं उसके बारे में आप बताएंगे। अब ये देखो, पहले इसको मोट होते हैं, मोट का ये तैयार करना पड़ता है। वो इसके अंदर मिर्ची जो भी मसाला होता है उसको अंदर डालना है। उसके बाद उसको उसी स्वाद के हिसाब से उसमें नमक और मिर्ची डालना है, और हरी मिर्च धनिया जो भी आपके पास उसको डालना है। उसके बाद आपको एक फ्लैट तवा लेना है। उस तवे के ऐसे जब बन जाता है तो उसके ऊपर फिर ये देखो आपके सामने ये बन रहा है। तो अभी आपको बताएंगे कैसे बनाते हैं। ये जैसे घोल तैयार हो गया है, ये आपके सामने है, ऐसे घोल तैयार हो गया है। ये देखो रबड़ी की, ऐसे रबड़ी की तरह घोल बनाना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी होता है ये। राजस्थान में चिद्र, इसको चिद्रा कहते हैं, चिद्रा बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी होता है ये, और इसको बहुत लोग पसंद करते हैं। पहले पुराने जमाने में ये चिद्रा लोग बहुत बनाते थे, लेकिन आजकल किसी को पता नहीं, इसलिए कोई बनाता नहीं है। और इतना टेस्टी होता है कि आप एक बार इसको खा लिया तो इसको आप खाते ही रहेंगे। अभी देखेंगे आप कैसे बनाते हैं ये चिद्रा। देखो इसमें तेल डालना है, ये तवे के ऊपर तेल डालना है। उसके बाद इसको ऐसे डालना है, फिर ये ऐसे ऐसे बन जाएगा। ये देखो दोस्त, ये कितना इसमें, ये बहुत टेस्टी होता है। इसको आप खाओगे तो बिल्कुल आप खाते रहोगे, इतने बहुत टेस्टी ये राजस्थान में बनाया जाता है। इसको देखना ये कैसे बन गया। अभी अभी इसको एक पतले तार या चाकू के या माध्यम से प्लेट, उसे माध्यम से आप इसको पलट सकते हैं। जो पलटा होता है उसके उससे भी पलट सकते हैं, लेकिन सबसे बेटर रहेगा कि पतली सी नुकीली चीज लीजिए इसको और उसमें पलटिए। तो ये देखो आपका चिद्रा अभी तैयार होने जा रहा है। ये बिल्कुल बहुत ही स्वादिष्ट चीज है, आप इसको खाओगे तो बहुत आनंद आएगा। आप इसको खा सकते हैं, आप इसको घर में बना सकते हैं। आपको मैं इसका पूरा तरीका कैसे बनाते हैं उसको मैं बताऊंगा। हालांकि आपको मैं बता रहा हूँ आज, ये ऐसे चिद्रा ऐसे बनाते हैं। तो ये अभी टूट गया ये चिद्रा, है ना, ठीक से बना नहीं है, क्योंकि इसको बनाने के लिए बहुत कुछ सावधानी चाहिए। जैसे ये बने पड़े हैं, ये देखो आपके सामने ये बना हुआ है, इसको बोलते हैं चिद्रा। ये देखो बहुत टेस्टी है, ये बना हुआ है, देखो ये देखो आपके सामने ये बना हुआ है, ये ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये बनाना इसको बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसको बनाने के बाद जो खाने में बहुत टेस्ट आता है। इसको देखो ये ना, तो ये था चिद्रा बनाना। तो दोस्तों आप भी बना सकते हैं चिद्रा, आपको बताएंगे आगे कैसे बनाते हैं चिद्रे को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।